हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा ऑल कोर्सेज का सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, रेगुलर NCERT एंड SOL का, ठीक है, सबका ये सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का, चाहे वो BA कोर्सेज में हो या फिर BCom कोर्सेज में हो, ठीक है। तो ये हमारा VAC सब्जेक्ट है, जो कि हमारा 7th सब्जेक्ट है, ठीक है, UGCF मोड के अंदर। तो इसका सिलेबस देखते हैं, ठीक है, और आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारी क्या है, 3 यूनिट है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में हमारा है कि हमारा नोवेल क्या होता है, कैसे रीड किया जाता है, और इसका कैसे नोवेल का क्या असर पड़ता है हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। देन सेकेंड यूनिट में हमारा बंकिम चंद्र चैटर्जी, जिन्होंने हमारी अंधामात लिखी थी, अंधामात में क्या उन्होंने लिखा था, ठीक है, बंकिम चंद्र चैटर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके अंधामात नोवेल के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद यूनिट 3 में हमारा चमन नहाल आज़ादी, चमन नहाल ने लिखी थी, जो कि आज़ादी लिखी थी उन्होंने, तो उस आज़ादी वाली नोवेल के बारे में पढ़ेंगे और चमन नहाल के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली बात कि अगर आप ये जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखने को भी मिलेगी, ठीक है। तो इसको जब पढ़ो तो ऐसे मत पढ़ना कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। थोड़ा माइंड फ्रेश करके अच्छे से खा पी के बैठना, ताकि क्या होगा, इससे आपको इंटरेस्ट एक डेवलप होगा आपका, ठीक है। जब आप इसको पढ़ने जाओगे, पढ़ते पढ़ते आपको एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है या फिर आपका भूख लगी है या फिर, तो उसमें क्या होता है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो अच्छे से बैठना पढ़ने, तो क्या होगा, आपको मोटिवेशन भी मिलती है इन बुक्स में। अगर पढ़ोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में हमारा है कि हमें EM फोस्टर के बारे में पढ़ना है, जिन्होंने जो हमारे नोवेल के बहुत मतलब जाने माने नोवेलिस्ट थे, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ना है, और उनकी कुछ नोवेल्स हैं, उनकी कुछ वर्क्स हैं, उनके उन वर्क्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, उनकी जो नोवेल है उसकी समरी, नोवेल की क्या, वो नोवेल में क्या चीज़ें दिखाने चाहते थे, वो उसकी समरी है। और फिर उनके यही चीज़ है कि उनका एक ऑटोबायोग्राफी है और उनकी नोवेल की एक समरी है, ठीक है। देन उसके बाद कि नोवेल का हमारे सोसाइटी पे क्या रिफ्लेक्शन पड़ता है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में हमारा बंकिम चंद्र चैटर्जी, जो उन्होंने अंधामात लिखी थी। तो सबसे पहले हमें क्या है, बंकिम चंद्र चैटर्जी आपने सुना भी होगा उनका नाम, जिन्होंने वंदे मातरम भी लिखा है, ठीक है। तो उन्होंने जो अंधामात लिखी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बंकिम चंद्र चैटर्जी के बारे में पढ़ेंगे, देन उनकी जो अंधामात थी उसकी थोड़ी समरी पढ़ेंगे, देन उसके बाद अंधामात में उन्होंने किस किस टॉपिक पे बात करी है, क्या क्या चीज़ें बताई हैं, उनके बारे में हम थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो और फिर उसके बाद कि ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद यूनिट 3 में हमारा, जो कि हमारी आज़ादी वाला है, जो कि चमन नहाल ने लिखी थी, उसमें हमारी क्या है, सबसे पहले हम चमन नहाल के बारे में पढ़ेंगे, देन उनकी उस नोवेल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिटेल समरी पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है, क्या क्या उन्होंने थीम्स एंड प्लॉट्स दिए हैं उसमें, ठीक है। पूरी की पूरी आज़ादी की स्टोरी है, एक स्टोरी की तरह इसमें बताया गया है, ठीक है। तो और ज़्यादा लंबी बुक भी नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, मज़ेदार हैं, तो हो जाएगा, 2 दिन हैं आपके पास, अभी हो जाएगा आराम से। और अगर आपकी इच्छा है सीखने की, तो आपको मज़ा भी आएगा ये पढ़ते हुए, ठीक है। तो और अगर आपको नोट्स चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक्स हैं, वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको टेलीग्राम लिंक में पिन मैसेजेस पे आपको ड्राइव लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक कर लिया करो, इससे मुझे भी पता चलता है कि लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दिया करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि उनको भी पता चल सके, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।